तो यार मूवी बीच बीच में बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, मतलब कि इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट मेरा टूटता जा रहा था। और इसका जो क्लाइमैक्स है वो मुझे क्लाइमैक्स काफी ज्यादा वीक लगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। आज हम लोग बात करेंगे एथीना मूवी की, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। लेकिन उससे पहले बॉलीवुड की मूवी चुप की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये मूवी क्रिटिक्स पर फोकस करती है, यानी कि वो बड़े बड़े क्रिटिक जो कि ऑफिशियली क्रिटिक्स है उन पर फोकस करती है, हम जैसे यूट्यूबर्स पर नहीं करती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की, और इसमें ऐसा बताया कि मुंबई में रहने वाला एक सीरियल किलर फिल्म क्रिटिक्स लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे सनी देओल यानी कि जो इस मूवी में इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं वो सीरियल किलर को पकड़ते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। जो कि इस मूवी ने सीरियल किलर के जॉनर को एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया, टोटली ओरिजिनल है ये। मूवी में एक लव स्टोरी भी देखने मिलेगी। देखो यार, कोई भी इंसान हो, अगर वो मूवी लवर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उससे आप लोग उसके लाइफ पार्टनर कैसा हो अगर पूछोगे तो वो एकदम फिल्मी वे में बताएगा। इसलिए यहाँ पर जो दो कैरेक्टर है डैनी और नीला, दोनों ही फिल्मों को बहुत पसंद करते, तो इसलिए उनकी लव स्टोरी भी एकदम सिनेमेटिकली बताई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वो स्लो मोशन के शॉट, जो बैकग्राउंड में गाना बजना, और गाने से याद आया कि भाई वो गाना था हमारे लेजेंड गुरुदत्त सर के मूवी का सॉन्ग, वो मूवी मैंने देखा हूँ। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी मूवी थी जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया था, वो मूवी मैंने नहीं देखा। बीजीएम मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर दुलकर सलमान ने एज डैनी बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया, बहुत ही चैलेंजिंग परफॉर्मेंस दिया। और उनके कैरेक्टर में जो दो अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिले, जो कि आप लोग फर्स्ट सीन से ही महसूस करोगे, यानी कि डैनी हमेशा दो चाय लेता है, दो बुर्जी पाव लेता है, कौन चूतिया दो बुर्जी पाव लेता जाके। लेकिन ये उसके कैरेक्टर को बताने की कोशिश कर रहे थे डायरेक्टर, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मूवी को ठीक ठाक ही लिखा गया है। सनी देओल की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो इस तरीके के रोल में आज से पहले कोई मूवी में नजर नहीं आया, तो मतलब काफ़ी एक फ्रेश लगा मुझे सनी देओल को देखकर मूवी में। और वो जो एक्ट्रेस थी, क्या नाम है, स्नेहा धन्वंतरी शायद, उसने भी अपने हिस्से रोल को बहुत अच्छी तरह से किया। डायरेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यार अगर मूवी की अगर नेगेटिविटी की बात करो तो यार मूवी बीच बीच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, मतलब कि इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट मेरा टूटता जा रहा था। और इसका जो क्लाइमैक्स है वो मुझे क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा वीक लगा। लेकिन अगर आप लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे तो डायरेक्टर हमें ऐसा बताना चाह रहे थे कि वो बंदा समझो मानो रियल में हो, तो रियल में वो लोगों को मार सकता है जान से, लेकिन वो एकदम फाइट करके, मतलब एक फाइट मार के पुलिस वालों को वहाँ गिराएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकता ना, क्योंकि रियल में कौन इंसान ऐसा कर सकता है। तो जो उसके क्लाइमैक्स से अगर आप लोग दूसरे नज़र से देखें तो वो ओके ही लगा, काइंड ऑफ ओके लगा मुझे, लेकिन इससे अच्छा क्लाइमैक्स हो सकता था। और इस मूवी को मैं रेटिंग नहीं दूंगा। तो बस अब हम लोग बात करेंगे एथीना मूवी की, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 39 मिनट की, और मूवी की कहानी एक कियोस से होती है और खत्म भी कियोस पर होती है, यानी कि एक ऐसा बवाल। अब ये बवाल क्यों मचा है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लड़के की हो गई डेथ जिसका नाम है इदिर। उसके तीन भाई है, एक अब्दुल जो कि एक वॉर हीरो है, दूसरा है करीम जो कि इस कियोस्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और तीसरा है मुख्तार जिसको इस कियोस्क से फर्क ही नहीं पड़ता, उसको बस अपने ड्रग बिजनेस को संभालना है। अब ऐसे में कहानी में क्या कुछ होता है, कैसे इस कियोस्क में हमें बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करता है डायरेक्टर, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आप लोगों ने प्रोटेस्ट पर या जस्टिस पर बहुत सारे रियल वीडियोस देखे होंगे, या शायद आप भी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हो सके होंगे कभी लाइफ में, या कभी आप लोगों ने किसी कियोस्क के बारे में सुना होगा। लेकिन इस मूवी में जो कियोस्क बताया है, मतलब वो आपको एक अलग ही वे में प्रेजेंट करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप उसके अंदर घुस गए हो, क्योंकि इसकी सिनेमेटोग्राफी इस तरह से की है, टेक्निकल वे में ये मूवी परफेक्ट है यार, मजा आ गया देखने के लिए। बहुत सारे ऐसे कंटिन्यू शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग वहां पर मौजूद है। कुछ क्लोजअप शॉट्स है, उसके अलावा मूवी में कुछ लॉन्ग शॉट्स भी है जो आपको बहुत देखकर मजा आएगा। अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो यहाँ पर तीन भाई है, लेकिन तीनों भाइयों की जो सोच कितनी ज्यादा डिफरेंट है वो देखकर आपको कहीं ना कहीं हम फील होते हैं उनके अंदर। जैसे करीम भाई को जस्टिस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अब्दुल जो कि वॉर हीरो है वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता है, वो किसी भी हाल में ये सारी चीज़ों को रोकना चाहता है, क्योंकि जो भाई मर गया वो भाई ये सब चीज़ें करने से वापस तो नहीं आएगा। तो वो अब्दुल के कैरेक्टर भी मुझे बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर लगा, और उसके अंदर जो बदलाव थे ना वो सबसे ज़्यादा थे। उसके अलावा मुख्तार जो सबसे ज़्यादा फनी और सबसे ज़्यादा हरामी कैरेक्टर मुझे लगा, जो कि एक ड्रग बिजनेस चलाता है, मतलब वो इतनी ज़्यादा गाली देता है कि मतलब आपकी कान से निकल
मिलने लगेगा। मूवी का डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा, ओवरऑल इट्स अ वॉचेबल मूवी। अगर आप लोगों को देखना है तो मूवी कब शुरू होती है कब खत्म होती पता ही नहीं चलता है। सारे एक्टर्स ने अपने हिस्से का रोल बहुत अच्छी तरह से किया। मूवी का जो बीजीएम है वो भी कड़क है, पेरेंटल गाइडेंस इतना बोलूंगा मूवी में अश्लील कुछ भी नहीं है। गाली गलौज आपको सुनने को मिलते हैं वो मुख्तार कैरेक्टर के मुंह से, बस वही है। एंड मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।